मैं हूँ क्रोनो एबिलिटी वाला, एबिलिटी है मेरी बहुत ओपी, एबिलिटी को ऑन करके एनिमी को पहनाता हूँ टोपी, और तू साले नल्ले आदमी, मजाक उड़ाते हैं तेरा खूब, और कोई तेरी एबिलिटी नहीं, चल बे एडम नूब। गजब बेइज्जत। मेरे से फ्री फायर स्टार्ट हुआ, सबको सिखाता हूँ गेम, अरे बड़े बड़े यूट्यूबर फेमस हो गए ले लेके मेरा नेम, और तू साले बिके हुए आदमी, मेरा क्या मजाक उड़ाएगा, साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। ओ तेरी बहन की लग गई। बेबी तुम मुझे कभी सरप्राइज क्यों नहीं देती हो? ये लो मेरा नया बॉयफ्रेंड। कभी भी किसी का हुलिया देखे उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। मेरी बकरी ने अंडे देने। अबे बकरी कब से अंडे देने लग गई? ये मेरा स्टाइल है, मैंने मुर्गी का नाम बकरी रख रखा है। सुनना। मैं क्या कह रहा था ना कि बारिश हो रही है, मौसम भी अच्छा है और मौका भी अच्छा है। हाँ बेबी। तो डूब मरो। ये री नाली, इधर ही मुंह मार दो। बात तो सिर्फ संस्कारों की है, हमें इज्जत देने के साथ साथ इज्जत उधेड़नी भी अच्छे से आती है। ऐसी जगह हरगिज जाया मत करो जहां पर लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, बल्कि ऐसी जगह जाया करो जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो, हमेशा खुश रहेंगे। जबरदस्ती अपने आप को कहीं भी एडजस्ट करने की कोशिश मत किया करो। मेरी एक बात हमेशा याद रखो, जहां पर आपको आपकी अहमियत बतानी पड़े तो आप समझ जाओ आपकी अहमियत वहां पर खत्म हो चुकी। दिल तो मेरा उसी दिन टूट गया था मुर्शद, जिस दिन मैडम ने कहा था पढ़ ले वरना नंबर नहीं दूंगी। डार्लिंग तू साथ देने वाली बन के दिखाती, मैं ऐसे ना छोड़ता, और शुक्र मना मैं दारू नहीं पीता, वरना तेरा दिल और तेरे नए वाला आशिक दोनों को अच्छे से तोड़ता। बड़े बड़े आशिकों की डूब जाती है नैया, जब एक लड़की कहती है थैंक यू भैया। आजकल दिल नहीं, लोग चेहरा देख के चूज करते हैं, और प्यार तो 5-6 साल पहले होता था, आजकल तो सब यूज करते हैं। एक जमाना था जब हम भी सिंगल हुआ करते थे, और अब भी वही जमाना चल रहा है। चलो माना ये मोहब्बत बुरी नहीं, लेकिन माँ बाप से ज्यादा जरूरी भी नहीं। जो चाहिए वो अपनी मेहनत से लाऊंगा, मेरे बाप ने मुझे किसी की तरक्की से जलना नहीं सिखाया। जो पूछता है ना मुझसे क्या करता है क्या नहीं करता है, उन सबको बता दो मोहब्बत और भरोसा छोड़कर सब करते हैं। क्या बेबी एक बात बताओ, करवा चौथ के अलावा और कौन सा व्रत होता है जिससे पति की उम्र लंबी होती है? मौन व्रत। कभी रख के देखो। बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, जब वक्त आया तो हौसला नहीं जुटा पाए। के जी बातें तो बड़ी बड़ी मार दी जनाब, जब वक्त आया तो हौसला नहीं जुटा पाए, और जो लोग हमारा फायदा उठा गए वो अपनी गिरी हुई सोच नहीं उठा पाए। Everything fine Ned? After a long time. Hey, are you in love? जो नसीब में ना हो वो रोने से भी नहीं मिलता। लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर इस्तेमाल करते हैं। मोहब्बत से बहुत डर लगता है मुझे,
क्योंकि कुछ लड़कियां मेकअप में बहुत टाइम लगाती है लेकिन ब्रेकअप में नहीं। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, एक दिन वक्त खुद जाएगा। अब तेरी बारी है। सब गुस्सा करते मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मगर कल मैं तो मम्मी ने गर्म गर्म जलेबियाँ बनाई है। हेलो मून। हाँ बोला ना राज। अरे यार वैसे ना मैं बताऊँ तुमको, मैंने हर एक प्रेजेंट डिलाइट इमोशन देखी तुम्हारी और मुझे मतलब देखने में बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित, छोड़ो आज भी तो थैंक यू अंकित तो नहीं, पर मैंने तुम्हारी आईडी में सब कुछ देखा है, सब कुछ है तुम्हारी आईडी में। क्या ये येलो क्रिमिनल है क्या तुम्हारे पास? उस टाइम मेरी आईडी बैन थी ना, मुझे आया था क्रिमिनल के डिपार्टमेंट में। तुम्हारी आईडी बंद थी? अरे यार वैसे भी तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम ले भी नहीं पाती। वैसे औकात की बात मत करो, तुम मेरे पास साइड पर मैं ना तुम्हें येलो क्या करो। अरे बहनचोद तुम तो साला रेड क्रिमिनल है। अरे बहनचोद ये कहां से ला रही हो तू? साला न्यूज़ लगाती हो क्या भाई साहब? अरे बहनचोद येलो भी है तुम्हारे पास, तो ये सारे तुम्हारे पास। अरे मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगा, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय बाय। देखना एक दिन मेरे लिए भी ये गाना बजेगा। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और भाई कैसा है? और भाई कैसा है? अबे तू बता। मैं तू बता। मेरी कॉपी। मेरी कॉपी? मैं चूतिया हूँ। बताया नहीं कभी तूने? रख के फाड़ूंगा इधरी, समझा? जानता नहीं है तू मुझे? अबे तू जानता नहीं है मुझे, मैं इसका आदमी हूँ। हाँ और मैं इसकी औरत। बराबर डायलॉग बोला ना बस। देखना मेरे लिए एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के साथ समुंदर पार करके। समुंदर में घोड़ा तेरा बाप चलाएगा। अरे नवाब भाई। हाँ भाई तरुण। सब मुझे नूब बोलते हैं। अरे भाई कौन बोलता है तुझे नूब? अरे सब। अरे नहीं भाई तू नूब नहीं है भाई, तू चूतिया है। बहुत से मोड़ आए जिंदगी में पर हम हॉर्न मारकर सीधा चले गए। मैं तो डर गई। ये तुमने कैसे बजाई? ये तुमने बजाती है माले, मुझे सिखाया था, बताओ। मैं तो डर गई। अरे यार मुझे शादी में जाना, टेंशन हो रही है अब। अबे तो टेंशन क्यों ले रही है, शादी में जाके दावत खाइए। अरे यार तुम्हें पता नए कपड़े पहन के जाऊंगा, जरा देर में 8-10 लड़की सेट हो गई, कौन जिम्मेदार है? तू मेरी बेटी से प्यार करता है ना, तो कितने पैसे लेगा उसे छोड़ने के लिए बता। सेठ जी तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए अपने प्यार को ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी, डेली एक दारू को पौ भिजवा दियो, बात ही खत्म। ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। खिलौने हमसे ले लो मगर किसी के दिल से मत खेलो। पता है दोस्तों हम फ्री फायर क्यों खेलते? ये हमारे लिए गेम नहीं है, हमारे लिए वो प्यार है, इसलिए हम खेलते।